Dear students, in the previous video, we understood the first three question answers of the chapter Monkey Trouble. Today, we will do the next question answers, the next three. The fourth question is, what did Tutu do with the necklace? How was it restored to the shopkeeper? Taking forward what I told you in the previous video, if you note down the form of this question, it includes the second form of verb and the first form. Like if you know, do is the base form of verb, did is the second form and done is the third form. This question being in the past indefinite tense, it involves what did Tutu do with the necklace, which implies did represents the past, do represents the act, because in past indefinite interrogative sentences we use did and the first form of verb. So starting with the explanation of this question and answer, Tutu ne necklace ke saath kya kiya? Humne last question mein padha tha ki Tutu us necklace ko lekar bhag gaya और आंट रूबी, रॉकी, ज्वेलर और बहुत सारे लोग सभी उसके पीछे भागे. दे ऑल रैन टू चेज हिम इन द बाजार. द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज हाउ वॉज इट रीस्टोर्ड टू द शॉपकीपर. वो उसे वापस कैसे मिला? टूटू फेल्ट दैट शी वुड बी पनिश्ड फॉर टेकिंग द नेकलेस. टूटू को लगा कि उसे पनिशमेंट मिलेगी वो नेकलेस लेने के लिए. शी रिमूव द नेकलेस फ्रॉम हर नेक एंड थ्रू इट इन द कैनल. उसने अपने नेक से वो नेकलेस को रिमूव किया, हटाया और एक कैनल, एक छोटी नदी थी वहीं पे, उसी में उसको डाल दिया. द ज्वेलर, रॉकी एंड द नरेटर जम्प्ड इनटू द कैनल. वो एकदम से ज्वेलर, रॉकी, नरेटर्स तीनों ने जंप कर दिया उस कैनल में और फाइनली रॉकी को वो नेकलेस मिला एंड गेव इट टू द शॉपकीपर और उसने वो उस शॉपकीपर को वापस दे दिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why do you think some guests were not seen for several days after the marriage? आपको ऐसा क्यों लगता है कि कुछ guests जो थे उस marriage के बाद कई दिनों तक नहीं दिखे थे? यह लगभग कहानी के एंड में हमने पढ़ा था. अब इसमें क्या हुआ था? Tutu added red chili sauce, bitter gourd seeds, bitter gourd, karela and eggshells, the covering part of the egg. टू द केक. सो टूटू ने जो मैरिज का केक था उसमें रेड चिली सॉस, करेले के बीज और अंडे के छिलके, ये सब केक में डाल दिया था. द गेस्ट एट द बिटर वेडिंग केक एंड फेल्ट वेरी मच अपसेट. गेस्ट ने वो जो कड़वा वेडिंग केक था और उन्होंने खा लिया और बहुत ज़्यादा उन्हें अजीब सा फील हुआ. सो दे वर नॉट सीन फॉर सेवरल डेज आफ्टर द मैरिज. सो उन्हें मैरिज के कई दिनों बाद तक भी नहीं देखा गया था. द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द हॉट्स. हॉट्स रिप्रेजेंट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. यू मे गेट दिस क्वेश्चन इन द सेम वे और द वे द क्वेश्चन इज आस्क्ड मे बी चेंज ड्यूरिंग द टेस्ट और द एग्जाम जस्ट लाइक द अदर क्वेश्चंस. सो दिस क्वेश्चन इज Some animals have a sharp mind. They amaze us by their actions. Do you think they are able to think in the right direction? Why or why not? कुछ animals का mind जो है वो बहुत sharp होता है और वो हमें amaze, अचंभित करते हैं उनके actions के द्वारा. क्या आपको लगता है कि वो सही direction में सही और सोच पाते हैं? क्यों या क्यों नहीं? The answer is yes. Some animals have a sharp mind. हाँ, कुछ animals का दिमाग बहुत तेज होता है. As they are able to think in the right direction. क्योंकि वो सही direction में सोच पाते हैं, इसीलिए. As dogs help the police in catching thieves. अब इसमें example है कि dogs को बहुत ही ज़्यादा जो है police में use किया जाता है, so that जो चोर हैं उनको पकड़ा जा सके. मंकीज इमिटेट ह्यूमन बींग्स. मंकीज आर सो क्लेवर दैट दे इमिटेट. इमिटेट मतलब नकल करना.
that they imitate human beings? A bird in cage frees itself with its sharp mind. एक जो बर्ड है केज में वो अपने आप को खोल पाता है अपने शार्प माइंड के ही द्वारा. द फॉक्स इज़ द क्लेवरेस्ट एनिमल. जो फॉक्स है लोमड़ी है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा चालाक एनिमल है. मोर ओवर और तो और हम देखें तो एलिफेंट्स कैट्स एंड डॉग्स परफॉर्म वेरियस काइंड्स ऑफ फीट्स इन सर्कस शोज. अब हम सर्कस शोज को देखें तो उसमें एलिफेंट्स कैट्स डॉग्स अलग अलग तरह के करतब दिखाते हैं. ऑल दिस प्रूव्स दैट एनिमल्स कैन थिंक इन द राइट डायरेक्शन एंड डेफिनेटली दे अमेज ह्यूमंस बाय द एक्शंस दैट दे डू.